हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित भरतपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भरतपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक भरतपुर जिला के नाम से जाना जाता है। भरतपुर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस भरतपुर शहर में मौजूद है, और भरतपुर जिला होने के साथ साथ भरतपुर मंडल का हेडक्वार्टर भी है, और भरतपुर जिला भरतपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। भरतपुर जिला के पड़ोसी जिले का नाम, भरतपुर जिला के उत्तर दिशा में हरियाणा का मेवाड़ जिला, पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला व पूर्व में पश्चिम की ओर आगरा जिला, दक्षिण पूर्व दिशा में धौलपुर जिला, दक्षिण दिशा में करौली जिला और दक्षिण पश्चिम दिशा में दौसा जिला से घिरा हुआ है। भरतपुर जिला में 10 तहसील, 27 पुलिस स्टेशन, एक लोकसभा, 6 विधानसभा, 70 डिग्री कॉलेज, 58 अस्पताल, 2 मेडिकल कॉलेज और 1534 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो भरतपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भरतपुर ज़िला की कुल आबादी 25,48,000 के करीब है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 880 के करीब है, यानी कि भरतपुर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 880 महिला हैं। भरतपुर जिला के मुख्य नदी का नाम चंबल नदी, बांथना गंगा नदी है। चंबल नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 187 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 223 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 70% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 70% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: शासकीय कन्या कॉलेज, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, TM इंटरनेशनल विद्यालय, सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। भरतपुर ज़िला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। भरतपुर ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम इस प्रकार हैं: केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, लोहागद्दा किला, डिग किला, किशोरी महल, गंगा मंदिर, विश्वप्रिय शास्त्री पार्क, बांके बिहारी मंदिर और नेहरू पार्क आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। ये सभी इसी जिला में मौजूद है, जो कि लोगों को अच्छी तरह से मन को भाव देते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग राजस्थान के बड़े बड़े जिलों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 11 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो भरतपुर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भरतपुर रेलवे जंक्शन है। दोस्तों, भरतपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।